और ये देखो गाइस इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, बाप रे, ओम खतरनाक हो गया भाई। हे गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। और अभी मैंने पिछला व्लॉग खत्म करा अपना जू वाला और मैं भागते भागते कमरे में आया हूँ क्योंकि हमारे कमरे से जो जू का रास्ता है वो अप्रोक्सीमेटली 20-25 मिनट्स दूर है। तो गाइस मैं अपने रूम में ये होल्डर भूल गया था तो इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि अभी हमारा जो अभी मैं शूट कर रहा हूँ। तो अभी गाइस हमारा प्लान है कहीं जाने का, तो निकलते गाइस क्योंकि वो जगह एक्सप्लोर करनी है, वो जगह एक्सप्लोर बहुत कम लोग कर पाते हैं, इतना अच्छे से कर पाते हैं। तो वहाँ चलते फटाफट और देखते क्या होता है। तो गाइस अभी हम सब आए हुए हैं अपना लंच करने के लिए, तो लंच कर रहे हैं पता नहीं स्नैक्स कर रहे हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन दिन के एक तो बज गया है तो यहाँ बैठे सबको सब। पापा ये लंच है कि क्या है, लंच कर रहे हैं? लंच है चाइनीज, चाइनीज लंच, चाइनीज और इंडियन मिक्स है। क्या लंच है? नहीं लंच है चाइनीज, चाइनीज और मतलब लंच कर रहे हैं बेसिकली, चाइनीज और इंडियन मिक्स लंच कर रहे हैं। क्या बात है यार, बट राइस हो रहे हैं हम, क्या हो तो थक गए यार। मतलब ये कि यार चढ़ाई बहुत है यार, मतलब कहीं भी जाओ चढ़ाई तो थक बहुत है। We got time on our side when I stayed home। गाइस यहाँ पे मतलब इतनी भीड़ है, हमने खाना खा लिया है और मम्मी लोग इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ चलो घर चलो, यहाँ घूमने जाना, वहाँ चलो यार अम्मा, बुआ बुआ लेट हो रहे हैं, फैशन बाद में कर लेना प्लीज, चलो घूम के आते हैं। गाइस देखो आप, ये है पूरी रोड है यहाँ से, ये पूरा नैनीताल है, पूरे बादल लगे ऊपर एंड इस पूरी रोड में ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पर है बेसिकली खाने वाने का रेस्टोरेंट वगैरह सब यहीं पे है। और सामने ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा नैनीताल का एरिया है, आप देख रहे हो सब सामने। नंदा देवी मंदिर में आके मजा आ गया, बहुत जबरदस्त व्यू है नंदा देवी मंदिर का, आप देखो पूरा मंदिर है, काफी भव्य मंदिर है। और ये देखो पूरा नैनीताल की झील दिख रही है, और मस्त ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस अभी हम आए हुए हैं नंदा देवी मंदिर, और नंदा देवी मंदिर से जो व्यू दिखता है आप देखो, ये नंदा देवी मंदिर है। और अभी हमारे फूफा जी ने हमको ज्वाइन करा है, फूफा जी हेलो कर दो। हेलो, ये हमारे फूफा जी है, ये बुआ के हस्बैंड, मेरी बुआ। और यहाँ पे है मंदिर की बहुत बड़ी मान्यता है ना, मंदिर ही सब कुछ है नंदा, इनके नाम पे नैनीताल का नाम नैनीताल पड़ा है, नैना देवी का मंदिर है, नैना देवी का मंदिर, नैना देवी है ये पूरा मंदिर, आप देखो गाइस। तो गाइस इसकी जो स्टोरी है मंदिर की वो बताएंगे पापा आपको, मम्मी बताएगी। अरे जब पार्वती को लेके जा रहे थे ना शिव जी, हाँ? तो उनका जो शरीर जल चुका था, हाँ? तो वो राख हो गया, राख हो के गिर रहा था वो, हाँ? धरती पे, हाँ? तो यहाँ पर उनकी आँखें गिरी, आँखें, अरे बाप रे, नयन, इसलिए इसका नाम नैना, नैन गिरे ना, हाँ? तो नैनीताल हो गया, बिल्कुल नैन गिरे और साक्षात नैन गिरे, वो है नैना, वो है मंदिर, वो सामने, ये मेन मंदिर सामने, ये सामने जहाँ पंडित जी खड़े हो। अच्छा, तो यहाँ पे माता के नैन रखे हैं, हाँ, नैन है माता, गिरे मतलब नैन गिरे हैं, तभी से नाम नैनीताल, नैन उनके नाम, उनके नाम नैना देवी नैनीताल। और पता है ये भी कहा है, नैना देवी का ये नैनीताल। अच्छा, 1 hour later। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं गवर्नर हाउस नैनीताल, और यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, पीछे चल रही है मेरी मामी और नैतिक, और पापा चले गए आगे। तो देखो अभी आप राजभवन नैनीताल, एंड अभी ये है सामने आपका जो पूरा देख रहे हो आप, ये पूरा गवर्नर हाउस है, ये पूरा का पूरा गवर्नर हाउस है गाइस, एंड इसका मैं व्यू ले लेता हूँ विदाउट लेंस। और नैतिक वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग बोलो, वेलकम टू न्यू व्लॉग। अच्छा अभी आई नहीं, ओ ओ आया रे, आया दौड़ फील वी गॉट समथिंग स्ट्रांग, I saw you walking the line।
सुंदर लग रहा है ना ये गवर्नर हाउस की, मतलब मजा आ गया यार देख के, मतलब ऐसा लग रहा है हम कहीं बाहर रशिया या कहीं इंग्लैंड इंग्लैंड में बैठे हुए हैं। ये देखो यार मेरे पीछे आप, और इतना ओपन है, ग्रीनरी है यहाँ पे, इतना बड़ा है यार, मतलब पूरा ग्रीनरी, पीछे ग्रीनरी, सब जगह ग्रीनरी है। नैतिक तो पत्थर पत्थर मार रहा है यार नैतिक, गंदी बात, गंदी बात, पिट्टी कर देंगे वो, फिर पिट्टी कर देंगे आपको, ऐसे कर देंगे। हाँ तो गाइस बेसिकली ये है एंट्रेंस गवर्नर हाउस की, आप देखो ये पूरी एंट्रेंस है, और ये है पापा, ये क्या है पूरा एरिया, ये प्राइस कोई कोई मीटिंग होती है यहाँ पे, पूरी मीटिंग वगैरह होती है, एंड यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, सब लोग देख रहे हैं गवर्नर हाउस को अंदर से। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि ये पुराना गवर्नर हाउस है, यहाँ पे जो अभी के गवर्नर रहते हैं वो यहीं रहते हैं। ओ तेरी, गाइस लॉबी देखो क्या लॉबी है, खिड़कियाँ देखो, खिड़कियाँ एक एक चीज, बुआ चिंता करो आपके बेटे का भी ऐसा होगा, बढ़िया ऐसा बनाऊंगा मैं भी, बहुत बढ़िया है ना, वो दिन कब आएगा, जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं तो बस बस आने वाला है, बस हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, बस बस। पापा क्या क्या प्रीमियर मजा आ रहा है यार, गवर्नर हाउस है ना, गवर्नर हाउस देखो, बिल्कुल मस्त मजे आ रहे हैं, सामने देखो यार क्या क्या प्रीमियर बना रखा है, यहाँ से व्यू देखो बाहर का, एक एक चीज दिख रही है, पूरी लॉबी है, गार्डन है, सब कुछ। पापा जी कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा, गवर्नर हाउस देख रहे हैं। सो गाइस ये है रूम्स, ये है पूरा रूम, पूरा रूम है, लग्जरी रूम है, यहाँ पर भी रूम है, कितने रूम है भाई पता ही नहीं कितने रूम है यहाँ। ओम का है, ओम कैसे, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। सो गाइस इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, एंड ओम ओम कैसा लग रहा है डाइनिंग टेबल देख के, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, लिटरली बोल रहा हूँ, इतना हमारा घर है ना, उतना बड़ा डाइनिंग टेबल है, इतना बड़ा डाइनिंग टेबल भाई साहब, मतलब कितने लोग खाते हैं, हमें एक गवर्नर हाउस है, गवर्नर हाउस मतलब एक गवर्नर रहता होगा, तो इतने सारे लोग, मतलब कभी मीटिंग होगी तब आते होंगे, लेकिन भाई साहब मतलब मैंने लाइफ में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि गवर्नर हाउस देखा, लाइव गवर्नर हाउस, मतलब एम्पोरियम देख रहे थे, इंदिरा गांधी एम्पोरियम, जवाहरलाल नेहरू एम्पोरियम, बट गाइस कभी भी लाइव हमारे गवर्नर रहते हैं वो मैंने कभी नहीं देखा, और ये देखो गाइस इतना बड़ा डाइनिंग टेबल, बाप रे ओम खतरनाक खतरनाक हो गया भाई। भाई साहब यहाँ पे अलग चल रहा है, यहाँ पे अलग ही है, यहाँ पे पीछे ऑफिस है बैठने के लिए, यहाँ पे अलग ऑफिस है भाई साहब, मैं तो देख के भमलेट हो गया भाई, यहाँ पे अलग ऑफिस है सब, इतने बड़े बड़े ऑफिस, इतने इतने तो घर नहीं होता हमारे, इतने ऑफिस है, इतने तो ऑफिस है भाई। गाइस ये है राज्यपाल सर का पूरा ऑफिस, इतना डरावना नजारा भाई साहब, रात को अगर किसी ने देख लिया ना उसको भाई माता तर जाएगी वहीं पे, बाप रे बाहर का व्यू देखो गाइस, पूरा जंगली एरिया, मतलब पूरा मतलब फिर से हैं, प्राइम मिनिस्टर जब भी गवर्नर यहाँ नैनीताल आते हैं, हाँ, ये गवर्नर हाउस है, हाँ, प्राइम मिनिस्टर यहाँ रुकते हैं, बाप ये प्राइम मिनिस्टर रूम है, और भाई बाथरूम देखो हैं, घर से बड़ा बाथरूम है, भाई साहब बाथरूम में क्या है, प्राइम मिनिस्टर रूम है, इस बाथरूम में बैठ के, ये बाथरूम में तो भाई हम क्या कर देंगे, इस बाथरूम में कैमरे की क्वालिटी उतनी खास नहीं आ रही है, लेकिन गाइस ये देखो प्राइम मिनिस्टर हाउस है, चेंजिंग रूम, यहाँ पे गाइस अभी मैं बैठा हूँ लॉबी में, जो कि पीएम जहाँ रुकते हैं उनकी बाहर एक लॉबी टाइप की बनी है, और यहाँ पर बैठा हूँ, मतलब गाइस एक लग्जरी फील आ रहा है गाइस, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ, बट मज़ा बहुत आ रहा है। ये है बाहर का कुछ व्यू, यहाँ पर क्या है, हाँ वाह, I long
क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, इतने कमरे है कि मुझे इसका पूरा व्लॉग बनाने में कम से कम 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। तो मैं छोटे जो बेस्ट बेस्ट चीजें आपको दिखा रहा हूँ, सारे बेस्ट है यार। क्या मैं छाटू मेरा व्लॉग, ये पूरा एक व्लॉग बन जाएगा गाइस। तो ये है पूरा, यहाँ पे हमने पूरा देख लिया। अब कोहरा ही कोहरा आ गया है। अब बाइक में मजा आएगा मामा, तो बाइक मामा ने बाइक हायर कर ली है। कितने की मामा बाइक हायर कर लिया है? मामा मैं बैठ जाऊँ हैं? अरे वाह गाइस, मामा ने हायर करी एवेंजर, और एवेंजर चलाएंगे मामा, गजब। पूरा एमएस धोनी वाला फील लेंगे पहाड़ों में। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको व्लॉग देख के मजा आया, आपके चेहरे में स्माइल आई है, आपने एंजॉय करा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। टिल देन गुड बाय, गुड लक, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लिव योर लाइफ एज मच एज यू कैन। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, तब तक के लिए बाय बाय। पापा जा रहे हैं कार में, लवी जा रही है स्कूटी में, एंड हम जा रहे हैं बाइक पे। तो ये देखोगे आप नेक्स्ट व्लॉग में, देखोगे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।